नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माय सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स 2018 से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनके पूछे जाने की काफी संभावना है। आशा करते हैं कि आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता दिलाने में सहायक सिद्ध होंगे। दोस्तों, हम इसी प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों से परिपूर्ण वीडियोज आपके लिए लेकर आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। इसके लिए जो साथी नए जुड़े हैं हमसे, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल के आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए शुरू करते हैं आज का सत्र हमारे पहले प्रश्न के साथ। एनजीटी का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल भूतपूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं और इनका संबंध हरियाणा के हिसार जिले से है। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो हमारे पर्यावरण से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर उनके निदान हेतु कार्य करता है, इसके चेयरपर्सन ने जस्टिस आदर्श कुमार गोयल को नियुक्त किया गया है। एनजीटी की स्थापना अक्टूबर 2010 में हुई थी और इसका जो कार्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो नई दिल्ली में स्थित है। सिंगापुर सुप्रीम कोर्ट में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति न्यायिक आयुक्त बने हैं? दीदार सिंह गिल। दीदार सिंह गिल को पहले भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति हैं जो न्यायिक आयुक्त बने हैं। इन्हें प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति हैं सिंगापुर के, हलीमा याकूब द्वारा नियुक्त किया गया है। ये पहले जुडिशियल कमिश्नर हैं जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। इन्हें अपने फील्ड का 30 वर्ष का अनुभव हासिल है। तो सिंगापुर कोर्ट में भारतीय मूल के पहले न्यायिक आयुक्त दीदार सिंह गिल। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है और इसकी पहली सेरेमनी 2003 में मनाई गई थी। पब्लिक सर्विस डे, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस पब्लिक सर्विस डे 2003 में पहली बार मनाया गया था और अब ये प्रतिवर्ष 23 जून को मनाया जाता है। भारत में डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग पर सबसे पहले कहां पर प्रतिबंध लगाया गया था? सबसे पहले डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग्स पर प्रतिबंध सिक्किम में लगाया गया था। भारत के सिक्किम राज्य में पहली बार ये प्रतिबंध 1998 में लगाया गया था। इसके पश्चात, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा इससे संबंधित, प्लास्टिक बैग से संबंधित कचरा फैल गया था, जिसके कारण बहुत ज्यादा पोल्यूशन वहां पर हो रहा था, जिसको देखते हुए सिक्किम सरकार ने प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी लगा दी। 2016 में भी सिक्किम सरकार द्वारा सराहनीय कार्य किया गया। उन्होंने 2016 में जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है वो भी बंद कर दिया। किसी भी गवर्नमेंट इवेंट में इस प्रकार का कोई प्रबंध नहीं होगा जहां पर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर यूज किया जाए। इसके पश्चात जो तीसरा महत्वपूर्ण कदम उठाया सिक्किम सरकार ने, वो था थर्मोकोल डिस्पोजेबल प्लेट्स और जो भी अन्य सामान थर्मोकोल से बना हुआ है उस पर भी सिक्किम सरकार ने पाबंदी लगा दी। तो पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए सिक्किम सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। 1998 में प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी लगाई, 2016 में इन्होंने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, जो वाटर बॉटल है, उसको भी बैन कर दिया और साथ में जो थर्मोकोल की अन्य क्रोकरी है उसको भी इन्होंने बैन कर दिया सिक्किम सरकार ने। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? सौरभ चौधरी। सौरभ चौधरी ने जर्मनी में आयोजित हुए जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। साथ ही 243.7 पॉइंट्स स्कोर करके इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट कर दिया। जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनका 243.7 पॉइंट्स के साथ। विश्व कप के फाइनल में रिकवर्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी कौन बनी? भारत की दीपिका कुमारी ने
रिकवर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आर प्रागनानंदा चेन्नई तमिलनाडु के रहने वाले हैं और ये इनकी उम्र मात्र 12 वर्ष है। इन्होंने इतनी कम उम्र में ही शतरंज ग्रैंड मास्टर ये बने हैं। इससे पहले जो इनसे कम उम्र के हैं वो है सर्गी करजाकिन, रशिया के सर्गी करजाकिन, इनसे पहले सबसे कम उम्र में शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। हाल ही में नाइटहुड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बैरी गिब जो हैं, उनको नाइटहुड पुरस्कार दिया गया है प्रिंस चार्ल्स द्वारा इन्हें यह उपाधि दी गई है। नाइटहुड पुरस्कार मिलने के बाद संबंधित व्यक्ति को सर की उपाधि मिल जाती है, तो नाइटहुड एक प्रकार से सर की उपाधि है। बैरी गिब को ये उपाधि दी गई है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार इन्हें 1998 में दिया गया था और 1999 में इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को 1999 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। करंट में ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर काम कर रहे। तो दोस्तों, ये माय सक्सेस पॉइंट चैनल की तरफ से काफी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और आशा करते हैं कि आपको आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सफलता दिलाएंगे। आइए एक बार इनका क्विक रिविजन लेते हैं। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को यह पुरस्कार 1998 मिला था। दूसरा जो बड़ा सम्मान भारत की तरफ से इन्हें मिला वो है भारत रत्न 1999 में। हाल ही में नाइटहुड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बैरी गिब को सर की उपाधि दी गई है प्रिंस चार्ल्स के द्वारा। दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? चेन्नई तमिलनाडु के आर प्रागनानंदा, ये मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता? सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में 243.7 पॉइंट्स स्कोर करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया और स्वर्ण पदक भी जीता। विश्व कप के फाइनल में रिकवर स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? दीपिका कुमारी ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया रिकवर स्पर्धा में। भारत में डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग पर सबसे पहले कहां पर प्रतिबंध लगाया गया था? भारत में यह प्रतिबंध सबसे पहले सिक्किम राज्य में लगाया गया था 1998 में डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग्स पर यह प्रतिबंध लगाया गया। इसके बाद 2016 में पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया और अब थर्मोकोल प्लेट्स और थर्मोकोल से बनी हुई अन्य क्रॉकरी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है सिक्किम सरकार के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून। 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस या यूएन पब्लिक सर्विस डे मनाया जाता है। सिंगापुर सुप्रीम कोर्ट में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति न्यायिक आयुक्त बने हैं? दीदार सिंह गिल को प्रेसिडेंट हलीमा याकूब द्वारा नियुक्त किया गया है और ये पहले जुडिशियल कमिश्नर बने हैं। एनजीटी का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस आदर्श कुमार गोयल भूतपूर्व जज हैं सुप्रीम कोर्ट के और इनका संबंध हरियाणा के हिसार जिले से है। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आशा करते हैं कि ये आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता दिलाने में सहायक सिद्ध होंगे। इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए और महत्वपूर्ण वीडियोज के लिए जुड़ते रहिए हमसे और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल के आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि आपको किसी पर्टिकुलर विषय पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।